गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी एटम के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके मॉडल के बारे में। ठीक है, किसी भी एटम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ज़रूरत थी मॉडल की, जिसके बेस पर हम ये पहचान सकें कि उस एटम में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट मॉडल जो था एटम का, वो हमें सबसे पहले दिया जे.जे. थॉम्सन ने। देखते हैं जे.जे. थॉम्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम क्या था। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाई जे.जे. थॉम्सन, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाई जे.जे. थॉम्सन लेड हिम टू प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब इससे पहले, एटम की डिस्कवरी से पहले ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, जो कि जे.जे. थॉम्सन ने की थी। उसी से इन्हें ये प्रेरणा मिली कि हम एटम के स्ट्रक्चर, फर्दर स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये प्रपोज किया, ही प्रपोज दैट ईच एटम कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कार्ड इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं ये जो इन्होंने शेप दिया है, इसमें ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके अलावा जो पूरा एरिया है उसमें क्या है, जो खाली बची हुई जगह है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं, एक प्लम पुडिंग जैसी एक कोई स्वीट्स आती है जो कि डेजर्ट की तरह यूज होती है अमेरिकन्स के यहाँ, उसमें क्या होता है, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए पेस्ट्री आपने खाई होगी और उसमें चौकोस के जो थोड़े थोड़े टुकड़े होते हैं, चॉकलेट के टुकड़े, वो धसे हुए होते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए जो चॉकलेट के टुकड़े हैं वो तो हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, और जो उसके अलावा जो उसका ब्रेड है वो क्या है, वो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो थी, सिंस एटम एज ए होल इज न्यूट्रल सो देयर मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम सच दैट द नेट चार्ज ऑन एटम इज ज़ीरो। भाई हमें ये तो पहले से पता था कि एटम का होल चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पहले वाले अपने जो पहला इन्होंने कहा फर्स्ट नंबर पे, उसमें ये कह दिया कि एटम जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रखता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एटम हमें पता था कि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने के लिए अगर हमारे पास एक नेगेटिव पहले से है तो इसमें और क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो बाकी जो बची हुई जगह है उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है, ईच एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिंस एटम एज ए होल इज न्यूट्रल सो देयर मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम सच दैट द नेट चार्ज ऑन एटम इज जीरो। यानी कि अगर आपका एटम पूरा पूरा न्यूट्रल है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज भी होगा, जिसकी वजह से क्या हो सके, एटम पर चार्ज जीरो हो सके। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, एन एटम इज ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अबाउट 10^-10 मीटर डायमीटर इन विच नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। अब ये जो मैंने पहले बताया था बिल्कुल उसी तरह कैसे है, एन एटम इज ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक एटम जो है वो एक स्पेयर की तरह होता है, किसका स्पेयर, पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर, जो कि कैसा होता है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है, यानी यदि आप एक गिलास पानी में अगर एक चम्मच चीनी घोल दें और उसे अच्छे से मिला लें, तो जो आपके मिक्सचर जो होगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस, यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। उसकी यदि आप आइसक्रीम जमाते हैं तो आपको वो आइसक्रीम उसके हर हिस्से से उतनी ही मीठी होगी जितने की दूसरे हिस्से से होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म डेंसिटी। इसी तरीके से जो आपका एटम स्पेयर है, एटम का स्पेयर है, उसमें भी जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरीके से, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, किस तरीके से एडजस्ट हो जाता है, यूनिफॉर्म वे में। ठीक है, इन विच नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। आप ऐसे समझ लिए कि जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज में आपके जो बीज होते हैं वो समझिए नेगेटिव चार्ज हैं, और जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है आपका, वो है
आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम उसी तरीके की एक मिठाई होती है, किसमें अमेरिकन्स जो खाते हैं उनके पास क्या है, प्लम्स बोलते हैं उसे, प्लम्स, और उसमें जो लगे होते हैं चॉकलेट पाउडर से बोलते हैं पुडिंग। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, इसीलिए थॉमसन मॉडल को भी क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। नेक्स्ट है, थॉमसन एज्यूम दैट हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अबाउट देयर मीन पोजिशंस कॉजेज द इमिशन ऑफ लाइट। अब ये हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेशन होते हैं अगर कोई पार्टिकल अपने एक कांस्टेंट पीरियड से, कांस्टेंट पीरियड से मोशन कर रहा है किसी के अराउंड, तो उसे हम बोलेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो ऑसिलेशंस हैं वो हार्मोनिक होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन से निकलने के बाद क्या करेगा, एमिशन ऑफ लाइट करेगा। यानी कि आप ऐसे समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो अपनी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में एमिट करता है। ठीक है, तो ये एमिशन किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हार्मोनिक ऑसिलेशंस की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, थॉमसन प्रिडिक्टेड इफ ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू एन एटम इट सफर्ड ओनली ए स्मॉल डिफ्लेक्शन ड्यू टू वीक फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन इट्स बाय पॉजिटिव चार्ज। थॉमसन ने बताया कि यदि कोई अल्फा पार्टिकल की बीम एक एटम से पास करे तो उसमें स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये मान लीजिए ये एटम है एक, और यदि हम इससे अल्फा पार्टिकल पास करते हैं तो उसमें ये स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा। इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे आपस में, तो यहाँ से क्या होगा, स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ड्यू टू वीक फोर्सेज एग्जर्टेड ऑन इट बाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो थे हमारे प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल ज़्यादा खास नहीं था, इसने एटम के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ नहीं दी, इसीलिए ये फेल हो गया। इसके बाद थॉमसन के ही, जे थॉमसन के एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उन्होंने इसमें कुछ कमियाँ निकाली, उसके बाद एक अपना मॉडल दिया। तो इसमें क्या क्या कमियाँ थी, इनके बारे में हम बात करेंगे। एग्ज़ाम में कभी भी जे थॉमसन का मॉडल नहीं पूछा जाएगा, कभी पूछ लिया जाता है तो उसकी लिमिटेशंस, यानी कि क्या क्या कमियाँ थी उसमें। फर्स्ट, रदरफोर्ड ए स्टूडेंट ऑफ जे थॉमसन प्रूव्ड दैट द पॉजिटिव चार्ज वर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्पेयर एज सजेस्टेड बाई थॉमसन। मतलब रदरफोर्ड जो कि जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो पॉजिटिवली चार्ज जो कि बात कर रहे थे थॉमसन कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेयर में, ऐसा नहीं है। यानी कि ये जो बात थोड़ी देर पहले जे थॉमसन कह रहे थे कि भाई नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये बात उनकी गलत थी। ये बात किसने प्रूव की, जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इनकी पहली बात गलत साबित हो गई। नेक्स्ट है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाई हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। अब थॉमसन का जो मॉडल है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, किसे, जो बात थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट वाली, जिससे कि एक्साइटेड स्टेट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है तो एमिशन होता है, किसका, लाइट का एमिशन। ये बात उस टाइम पर जे थॉमसन नहीं बता पाए थे। ठीक है, इसमें क्या है, जब आप आगे इसका और मॉडल पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड ने भी कोई खास काम नहीं किया, इनका मॉडल भी फेल हुआ था। इसके बाद एक बोर मॉडल आया था, बोर एटॉमिक मॉडल्स, बोर्स मॉडल, नील्स बोहर थे, उनका एक मॉडल था, उसने काफ़ी अच्छा काम किया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन इन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स व्हेन इंसिडेंट ऑन ए थिन मेटेलिक फाइल से गोल्ड फॉइल, फाइल नहीं है, फॉइल है, गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये फॉइल है,
मतलब क्या है कि जो अभी इससे पहले हमने बताया था, अल्फा पार्टिकल की अगर हम बम्बार्डमेंट करें एक थिन फॉइल पर मेटल की, तो ये क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्शन हो जाता है इनमें से। ये इन्होंने बताया बहुत थोड़े एंगल के लिए बताया था, किसने, थॉमसन ने। बट थॉमसन की जो स्टूडेंट थे उन्होंने पूछा अगर ये लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन हो तो क्या होगा। तो इसके बारे में जे थॉमसन के पास कोई भी प्रूफ या कोई भी थ्योरी नहीं थी। तो इसका मतलब हमारे पास ये तीन ऐसी बातें थी जो कि थॉमसन नहीं बता पाए, उनके स्टूडेंट ने बताई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एफर्ट बीवर मेड टू लुक फॉर ए बेटर मॉडल ऑफ एटम। इसका मतलब हमें एटम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिली, तो हमें ज़रूरत थी एक नए मॉडल की जो कि हमें ये बता सके कि एटम में ऐसी क्या खासियत है जो आपके जे थॉमसन नहीं बता पाए।